गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट पढ़ी कहीं, सोचा आपसे शेयर करूं। नो मैन नो प्रॉब्लम। व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट। नो मैन नो प्रॉब्लम, मतलब इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन परहैप्स लाइफ इज मीनिंगलेस, एंड इफ देयर इज लाइफ देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। और जब जिंदगी भी है और मुश्किलें भी हैं तो फिर क्या किया जाए। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी इस बारे में। एक बार एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। गेहूं की बहुत ऊंची लहलाती गोल्डन कलर की सुंदर फसल उसकी तैयार थी, और क्योंकि कटाई पास थी तो काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। बहुत जल्दी सवेरे से वो मेहनत करने में लगा था, और इस दौरान काम के भाग दौड़ में उसकी घड़ी कहीं उसी खेत में गिर गई। वो घड़ी कुछ आम घड़ी नहीं थी। उसके परदादा ने उसके दादा को दी, दादा ने उसके पिताजी को दी, और पिताजी ने उसको दी। तो वो एक खानदानी घड़ी जो काम करते करते उससे कहीं खो गई। उस किसान ने सारे काम से ध्यान हटाकर ना जाने शाम देर तक, अंधेरा होने तक कितनी कोशिश की उस घड़ी को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन सुबह भोर होते ही, सूरज चढ़ते ही वो फिर से उस खेत में पहुंचा, और लहलहाती खिलखिलाती सुनहरी अपनी फसल के अंदर फिर से घड़ी ढूंढने लगा परेशान होकर। लेकिन बहुत मुशक्कत करने के बाद भी वो घड़ी ढूंढ नहीं पाया। मन में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, दिल उदास था, उतावलापन था। उसी के खेत के बाहर मुंडेर के आसपास कुछ चंद बच्चे खेल रहे थे। तो न जाने क्या उसके मन में आया। इतनी निराशा के बीच उसने ऐसे ही उन बच्चों को आवाज़ लगाई और बोला कि बच्चा लोग इधर आओ, इस पूरे एरिया में मेरी घड़ी ढूंढो, और जिसको भी वो घड़ी मिली मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें वो प्रॉब्लम थोड़ी लगती है। उन्हें तो वो लगा एडवेंचर, और साथ में इनाम का लालच। सब जुट गए, कोई किसी कोने से घुसा, कोई किसी कोने से घुसा, और वो हल्ला मचाते हुए वो सब घड़ी ढूंढने लगे। लेकिन 10-15 मिनट के बाद किसान फिर से निराश हो गया, क्योंकि सब बच्चों ने आके बोला कि किसी को उसमें घड़ी नहीं मिली। निराश होकर सांझ होने वाली थी, तो वो लौटने ही वाला था कि एक छोटा सा बच्चा उसमें से, ग्रुप में से दोबारा उसके पास आया और बोला कि सर, मे आई हैव अनदर चांस प्लीज़, क्या मैं एक मौका ले सकता हूँ। पूरा ग्रुप खेलने में मस्त, और उसमें से एक छोटे से बच्चे की ये रिक्वेस्ट सुन के किसान के मन में कोई आशा तो नहीं जगी। वो बच्चे की तरफ देखने लगा कि जो काम कल से मैं नहीं कर पाया, इतने बड़े बच्चों का झुंड नहीं कर पाया, तो ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा। लेकिन उसकी आंखों की उत्सुकता, आंखों की चमक, और मन में कोशिश करने की एक जो प्रेरणा थी, उसके लिए उसने हाँ बोली, और वो बच्चा चुपचाप उस खेत में घुस गया। किसान की हैरानी का दूर दूर तक ठिकाना ना रहा जब वो बच्चा किसान की घड़ी लेकर उसके सामने खड़ा था कि ये देखिए, आपकी घड़ी मिल गई। घड़ी मिलने से ज़्यादा खुशी उसके चेहरे का उजाला देखकर किसान को हो रही थी। उसने उस बच्चे को गले से लगाया, शाबाश दी और इनाम दिया, लेकिन उसको पूछा कि मुझे बताओ कि जो काम हम कल से नहीं कर पाए, बच्चे अब भी नहीं कर पाए, आपने कैसे किया। तो जानते हैं उस बच्चे ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जाके 5 मिनट एक जगह शांति से बैठा, आंखें बंद करके, और सारा ध्यान घड़ी की सुइयों की टिक टिक पे लगाया। और जिस तरफ से मुझे उस शांति में आवाज़ आने लगी, मैं उस तरफ जाके घड़ी उठा लाया। यही होता है रवैया हमारा, हमारी ज़िंदगी की परेशानियों के साथ। परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं होती जितनी उन परेशानियों की परेशानी बड़ी होती है। द सेम नेगेटिव मेंटल चैटर बिहाइंड आवर हेड। हर वक्त एक नेगेटिविटी चल रही है, क्योस, फियर, एंजाइटी, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। एक बार ट्राई करने के बाद की इतनी निराशा कि हम अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करते, हम अपना गोल नहीं चेंज करते। और याद रखिए, जब भी ग्राउंड में कोई भी प्लेयर्स खेलते हैं, हर प्लेयर के सामने चुनौती एक जैसी होती है। हर प्लेयर को अपने दूसरे कॉम्पिटेंट की स्ट्रेंथ का पता नहीं होता। हारने का डर हर एक प्लेयर के मन में होता है। ग्राउंड लेवल की, गेम लेवल की और कंपटीशन लेवल की चैलेंजेस सबके साथ एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक जीत जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक एंड क्रिएटिव स्ट्रेटजीज, जस्ट फॉर दैट फोकस, कंसंट्रेशन और मेंटल स्ट्रेंथ। वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपने लगन को, अपने फोकस को, अपने एफर्ट्स को नेगेटिव मेंटल चैटर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसान को उस छोटे बच्चे से एक इतना बड़ा लेसन मिला कि जब हम किसी भी दुविधा, किसी भी परेशानी और किसी भी कैओस में होते हैं, तब हमें और ज़्यादा पीस की ज़रूरत है, तब हमें और ज़्यादा कामनेस की ज़रूरत है, तब हमें और ज़्यादा शांति से, ध्यान से, सॉल्यूशंस की तरफ सोचने की ज़रूरत है। और जिसने इस कैओस में थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई कर ली, मतलब दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आइए, परेशानियों को ना जीतने दें, परेशानियों को हम जीतें, सिर्फ हौसलों के साथ नहीं, थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनर कामनेस और पॉजिटिव मेंटल टॉक के साथ। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।